हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मिक्सचर एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था और आपने इसका फ़ायदा भी लिया होगा। आपने अपने दोस्तों को भी बताया होगा इसके बारे में, तो ये आप ज़रूर करना बेटा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना रूबीडियम चैनल के बारे में, ताकि उनका भी ये फ़ायदा हो सके। तो कंटिन्यूसली हर रोज़ एक एक लेक्चर आपको मिल रहा है, आप कंटिन्यूसली रेगुलरली उसको अटेम्प्ट करिए और उसको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर भी कोई समस्या रहती है आपको, तो अपने जो चैनल है उसका जो अपना वीडियो है उसमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, वहाँ आपका जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा, है ना। और रेगुलर मैनर में आप इनको अटेम्प्ट करिए, रेगुलर मैनर में आप इनको सॉल्व करिए, लेक्चर्स को देखिए, फिर मैं आपकी इस पर प्रैक्टिस करवाऊँगा, तब आपको और भी इजीली समझ में चीज़ें आने लगेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने बात करी थी कुछ क्वेश्चंस की। लेक्चर नंबर 6 में हमने बात करी क्वेश्चंस के बारे में, फिर हमने बात करी एसटीपी एनटीपी कंडीशन के बारे में, फिर हमने बात करी एसएटीपी कंडीशन के बारे में, फिर हमने बात करी एक क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा था, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया, और फिर बात की हमने मिक्सचर एनालिसिस। और मिक्सचर एनालिसिस में हमने मास परसेंटेज के बारे में बात करी। अगर हमारे मिक्सचर में दो सब्सटेंस है, ए और बी, तो उन दोनों के मास परसेंटेज के बारे में बात करी थी, उन दोनों के मोल परसेंटेज के बारे में बात की थी, और हमने बात करी थी मोलर मास ऑफ मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में बात की थी? मोलर मास ऑफ मिक्सचर के बारे में। और मोलर मास ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करते हुए फिर मैंने बोला था बेटा कि ये जो फॉर्मूला है, हम इसको तीन तरीके से अलग अलग केस बनाकर भी हम डिफाइन करेंगे। बाकी एक मास्टर फॉर्मूला हमें मिल गया, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इजिक्वल्स टू टोटल टोटल मास अपॉन टोटल मोल, है ना। ये हमने बात करी थी, तो देरी ना करते हुए आज उसको कंटिन्यू करते हैं हम। देखो, हमने बात करी थी मोलर मास एम मिक्सचर इजिक्वल्स टू डब्लू टोटल अपॉन एन टोटल। इसको हमने लिखा था डब्लू ए प्लस डब्लू बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये था हमारे पास में मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है। इसके बारे में हमने बात करी थी। अब देखो बेटा, इसके तीन केस बनाते हैं, जिससे कि मिक्सचर एनालिसिस की स्टार्टिंग में हमने बात करी थी। कोई भी मिक्सचर होगा तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी होंगी, उस जानकारी में जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस मिक्स किया हो, उनके मास हमें गिवन हो सकते हैं, उनके मोल्स हमें गिवन हो सकते हैं, और उनके मोलर मास हमें गिवन हो सकते हैं। तो जैसे ए के बारे में हमें गिवन था कि जैसे डब्ल्यू ए गिवन है और डब्ल्यू बी गिवन है, एन ए गिवन है, एन बी गिवन है, और हमने बात करी थी इसका मोलर मास हमें पता होगा, इसका मोलर मास हमें ये पता होगा। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी हमें मिक्सचर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो इन तीनों तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक साथ नहीं गिवन होंगे, तीनों एक साथ दिए हुए नहीं होंगे, इनमें से कोई दो दिए हुए होंगे। हो सकता है ये दोनों दे दे हमें, हो सकता है ये दोनों दे दे हमें, और हो सकता है ये दोनों दे दे हमें। तो इस आधार पर हम इसके तीन केस बनाएंगे, और उन तीनों केसेस में हमारे पास में क्या फॉर्मूले जनरेट होते हैं हम बात करने वाले हैं। जैसे केस फर्स्ट की बात करें हम, सॉरी, केस फर्स्ट की बात करें हम, केस फर्स्ट में हमें गिवन है मान लो W और N, यानी हमें गिवन है W A N A एंड W B और N B, ये गिवन है। तो इसका तो हमें पता है मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। तो यदि हम मोलर मास ऑफ मिक्सचर की बात करें, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो टोटल वेट तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास में सीधा आ जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक केस का एक फॉर्मूला हमारे पास में सीधा आ गया, ठीक है। ऐसे यदि हम केस सेकेंड की बात करें, है ना, केस सेकंड में क्या गिवन है, मान लो हमें ये दोनों दे दे, एन ए एम ए, एन ए एम ए और एन बी और एम बी। तो देखो, हमें मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वेट चाहिए और टोटल मोल चाहिए। तो टोटल वेट कैसे आएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और टोटल मोल कैसे आएंगे, एन ए प्लस एन बी। तो डब्ल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है बेटा, डब्ल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एन
ए बराबर होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी बराबर होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यदि मुझे डब्ल्यू निकालना होगा तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और डब्ल्यू बी निकालना होगा तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास में डब्ल्यू ए आ जाएगा एन ए इंटू एम ए, ऐसे ही डब्ल्यू बी आ जाएगा एन बी इंटू एम बी। तो डब्ल्यू ए की जगह लिख सकते हैं एन ए, डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू एन ए इंटू एम ए, और डब्ल्यू बी आ जाएगा हमारे पास में एन बी इंटू एम बी। समझ में आई बात? तो यहां से हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम मिक्सचर इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए की जगह क्या लिखा जा सकता है एन ए एम ए प्लस एन बी, डब्ल्यू बी की जगह एम बी और अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हमारे पास में मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया, किसका, सेकंड केस का, जिसमें हमें मोल गिवन है और मोलर मास गिवन है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेटा हमें अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें एक ये मास्टर फॉर्मूला याद करना है जिसमें टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स हमें पता करना है। बस हम इस मास्टर फॉर्मूले में गिवन वेरिएबल्स की हेल्प से उसको कैलकुलेट करके, यानी टोटल वेट और टोटल मोल कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर रहे हैं। समझ गए बात को? तो हमें अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे एक दूसरे में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड दे दो, देख लो इधर, जैसे मान लो हमें केस थर्ड में डब्ल्यू बी दे दे और एम बी दे दे, डब्ल्यू बी और एम बी। तो डब्ल्यू ए और एम ए एंड डब्ल्यू बी और एम बी दे दे, यानी हमें वेट और मोलर वेट दे दे, यानी उसका मास दे दे और मोलर मास दे दे, तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा वही मास्टर फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। तो देखो वहां पर हमें वेट तो गिवन है डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, लेकिन मोल्स गिवन नहीं है। तो मोल्स देखो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, ए के मोल क्या हो जाएंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और बी के मोल कितने हो जाएंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए की जगह क्या लिखा जा सकता है डब्ल्यू ए अपॉन ए एन ए, प्लस मोल्स ऑफ बी की जगह क्या लिख जा सकता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये तीसरा केस का फॉर्मूला आ गया। समझ गए बेटा? अब सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ना। अभी यहाँ पर मिक्सचर में हमने दो ही सब्सटेंस कंसिडर करे हैं, यानी ए और बी कंसिडर करें। अगर दो से ज्यादा हो जाए तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, वो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एम मिक्सचर इज इक्वल टू एन ए एम ए प्लस एन बी एम बी प्लस एन सी, और ये इस प्रकार से चलता जाएगा, और ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सो। तो ये हमारे पास में एक मास्टर फॉर्मूला, जिसमें ऐसा मिक्सचर जिसमें दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिक्स है, दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स है। तो देखो बेटा मोलर मास ऑफ मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर का जो मास्टर फॉर्मूला है ये हमें याद करना है, बस इस फॉर्मूले को गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना है। और मास्टर फॉर्मूला क्या है, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। फिर हमने केस बनाए कि तीन वेरिएबल्स हमने कंसिडर किए थे, इन ये तीनों एक साथ गिवन नहीं होंगे, तो हमें इनमें से कोई ना कोई दो ही गिवन होंगे, तो उन दोनों की सहायता से हम किस प्रकार से मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और रेगुलरली इन वीडियोस को देखना तो चीज़ें समझ में आएगी, अगर आप बीच बीच में इन वीडियोस को देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। समझ में आई बात? तो अब आगे चलते हैं। ये हमने डेरिवेशन थे जो लास्ट लेक्चर में रह गया था अपना, उसको मैंने कंटिन्यू किया है। अब हम इस जो मिक्सर एनालिसिस थे उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है ये वाला क्वेश्चन, गिवन है हमें इन ए मिक्सचर 20 ग्राम ऑफ ए, 20 ग्राम ऑफ ए, ये कैपिटल ए है, 20 ग्राम ऑफ ए जिसका मोलर मास गिवन है 20 ग्राम पर मोल, एंड 40 ग्राम ऑफ बी जिसका मोलर मास गिवन है हमें 10 ग्राम पर मोल आर प्रेजेंट, देन फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन मास परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है ए और बी का, मोल परसेंटेज ऑफ ए एंड बी
ए और बी का मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर एम मिक्सचर कैलकुलेट करना है, जो क्या होता है टोटल वेट अपॉन टोटल मोल। ठीक है बेटा, आगे चले। अब देखो जो जो डाटा हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो डब्ल्यू ए हमें गिवन है वो है 20 ग्राम, एम ए हमें गिवन है वो कितना है 20 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम पर मोल। ऐसे ही मोल निकाल लेंगे तो एन ए क्या आ जाएगा, एन ए हो जाएगा हमारे पास में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो वो हो गया 20 अपॉन 20 बराबर 1 मोल। ठीक है, ऐसे ही बी की बात करें तो बी के लिए डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी 40 ग्राम, एम बी कितना है 10 ग्राम, तो एन बी कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और वो हो जाएगा 40 अपॉन 10 4 मोल। तो बी के मोल है 4, ए के मोल है हमारे पास में सॉरी ए के मोल है 1 और बी के मोल कितने हैं 4। अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है मास परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ए का मास परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए इज इक्वल्स डब्ल्यू ए परसेंटेज इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और इंटू 100। तो यहाँ डब्ल्यू ए परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास में, देखो डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है 20, डब्ल्यू ए का वैल्यू है 20 अपॉन डब्ल्यू ए 20 और डब्ल्यू बी कितना है 40 और परसेंटेज का 100। तो सिंप्लीफाई करो तो 20/60 और इंटू 100, तो इससे काटो इसको 3, तो ये आ गया हमारे पास में 100/3, तो 33.33% ठीक है। ऐसे ही यदि मैं डब्ल्यू बी परसेंटेज की बात करूँ, डब्ल्यू बी परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और इंटू 100। हाँ या ना, फॉर्मूला जो अब मिक्सचर एनालिसिस में हमने बात करी है, तो डब्ल्यू बी का वैल्यू तो कितना है, डब्ल्यू बी है 40 ग्राम और डब्ल्यू ए कितना है 20 ग्राम, वैल्यूज पुट करो तो हमारे पास में डब्ल्यू बी परसेंटेज आ गया 40 अपॉन 20 प्लस 40 और इंटू 100, तो ये आ गया 40 अपॉन 60 और इंटू 100, तो ये आ गया 2 × 100/3, काट देंगे 20 से ये लो, तो ये आ गया 66.66%। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/3, ठीक है। तो हमने मिक्सचर में ए और बी जो प्रेजेंट है उसका मास परसेंटेज कैलकुलेट किया है, और ए का मास परसेंट कितना आया 23.33% और बी का मास परसेंट कितना आया 66.66%। समझ में आया बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन जो था मास परसेंट ऑफ ए एंड बी वो हमने कैलकुलेट किया है। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है मोल परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मोल परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें ए और बी के मोल की जरूरत पड़ेगी, तो ए के मोल हमारे पास में 1 मोल है और बी के मोल कितने हैं 4 मोल है, ठीक है। इस डाटा को हम आगे यूज करेंगे, ए के मोल कितने हैं 1 है, बी के मोल कितने हैं 4 है। अब आगे इस डाटा को हम सेकंड क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्योंकि मोल परसेंटेज क्या होगा, मोल इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 100। आगे देखते हैं, सॉरी अपने को एक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, एक सेकेंड। हाँ बेटा, हमने यहाँ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब इसका आगे चलते हैं। तो यहाँ बात करते हैं मोल परसेंटेज के सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में मोल परसेंटेज ऑफ ए,
यानी एन ए परसेंटेज वो क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और इंटू 100। तो यह आ जाएगा एन ए परसेंटेज इज इक्वल्स टू एन ए, ए कितना था बेटा देखो, ए कितना था एन ए वन मोल, ये बी कितना था चार, तो वन अपॉन वन प्लस फोर और इंटू 100। तो ये कितना आ गया 100/5, तो कितना परसेंटेज हो गया 20%। तो इस प्रकार से जो मिक्सचर गिवन है उसमें ए का मोल परसेंटेज है वो कितना है 20% है। ऐसे ही यदि हम बात करें एन बी परसेंटेज की तो वो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी और इंटू 100। तो एन बी का वैल्यू कितना था 4, पीछे अपने स्लाइड पे देखा है 1+4 और इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास में, देखो वैसे भी बोल सकते हैं ये 20% है तो दूसरा कितना हो जाएगा 80%। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 80%। तो जो मिक्सचर गिवन है उसमें ए का मोल परसेंटेज है 20% और बी का मोल परसेंटेज है वो है 80%। वो कितना है 80%। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमें एम मिक्सचर बताना है। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें एम मिक्सचर बताना है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो देखो एम मिक्सचर इज इक्वल्स टू डब्लू ए प्लस डब्लू बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो डब्लू ए कितना गिवन है, अभी हमने बात करी है डब्लू ए है हमारे पास में 20 ग्राम और डब्लू बी कितना है 40 ग्राम। तो ये डब्लू ए 20 ग्राम, डब्लू बी 40 ग्राम, एन ए एक और बी कितना है 4। तो ये आ गया हमारे पास में 60/5। तो ये कितना आ जाएगा 12×5=60, तो 12 ग्राम पर मोल। तो एम मिक्सचर मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया हमारे पास में 12 ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार से कोई भी मिक्सचर गिवन हो बेटा हमें, तो हम उसका वेट परसेंटेज मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मोल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रहे होंगे। आप देखो बेटा कॉपी पेन लेकर के बैठना, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये अगर इतना ही आसान होता सब लोगों को समझ में आ जाता, सब लोगों को ही मार्क्स आ जाते, सब लोग ही सेलेक्ट हो जाते। जो मेहनत करता है उसके मार्क्स आते हैं, जो मेहनत करता है उसको समझ में आता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के बैठ रहे हो या बैठे बैठे ये सोच के देख रहे हो कि सुनने से ही मेरे समझ में आ रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है बेटा। कॉपी पेन लेकर के बैठना, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन था एक, हमने बेसिक सा क्वेश्चन किया मिक्सचर एनालिसिस पे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में ये, सेकंड क्वेश्चन गिवन है इन ए गैसियस मिक्सचर 4% by weight, यानी मिक्सचर का यदि 100% वेट है तो उसमें 4% कितना है, कौन है, H2, 4% by weight H2 एंड 96% by weight O2 प्रेजेंट, देन फाइंड मोल परसेंटेज ऑफ H2, मोल परसेंटेज ऑफ H2 एंड मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो ये सोचो बेटा यदि हम मिक्सचर को 100% कंसिडर करें तो उसमें 4% तो H2 है और 96% कौन है, O2 है। तो हम ये भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि यदि मिक्सचर का टोटल मास 100 ग्राम हो जाए तो H2 कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा और O2 कितना हो जाएगा, 96 ग्राम। तो हम पहला मेथड यही लगाते हैं हम, है ना। पहला क्वेश्चन, पहला मेथड में हम बात करते हैं इफ W टोटल यदि हम 100 ग्राम कंसिडर कर लें, है ना, तो WH2 कितना हो जाएगा, WH2 हो जाएगा 100 ग्राम का 4% और 100 ग्राम का 4% कितना होगा, 4 ग्राम। 100 ग्राम का 4% कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, है ना। ऐसे WO2 कितना हो जाएगा, WO2 हो जाएगा 96 ग्राम। 100 ग्राम का 96% कितना, 96 ग्राम। तो यहाँ से यदि इनके मोल निकालें तो NH2 आ जाएगा हमारे पास में गिवन मास अपॉन H2 का मोलर मास, और H2 का मोलर मास कितना होगा, 2। तो इसके मोल आ गए हमारे पास में 2। ऐसे ही NO2 की बात करें, O2 के मोल की बात करें, तो इसका मास गिवन मास कितना है, 96 अपॉन मोलर मास O2 का वो कितना है, 32। तो इसके मोल आ जाएंगे 3 मोल, इसके मोल 2 और इसके मोल 3। तो डायरेक्टली मोल आ गए हमारे पास में।
कब, जब हमने मिक्सचर को, टोटल मिक्सचर को 100 ग्राम कंसिडर किया है, और ये परसेंटेज में गिवन था इसलिए हमने 100 ग्राम कंसिडर कर लिया, क्योंकि परसेंटेज 100 में से कैलकुलेट होती है, इसलिए ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी ये 4% का मतलब है 100 में से 4, तो हमने 100 ही मान लिया, तो 100 में से 4 तो कौन हो गया, H2 हो गया। और ये 96% का मतलब है 100 में से 96, 100 में से 96, तो टोटल हमने 100 ही मान लिया, तो ये कितना हो गया, 96 ग्राम हो गया। और मोल हमने कैलकुलेट कर दिया W अपॉन M से, तो इसका गिवन मास 4 ग्राम, मोलर मास इसका H2 का 2, इसके मोल आ गए हमारे पास में 2। सिमिलरली इसका वेट 96 ग्राम, मोल निकाला वेट अपॉन मोलर वेट, और ये आ गया 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में मोल परसेंटेज ऑफ H2 की बात करी है, तो NH2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज इज इक्वल्स टू NH2 अपॉन NH2 और प्लस NO2 और परसेंटेज का 100, परसेंटेज का क्या है 100 है, तो वैल्यूज पुट करो, NH2 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस NH2 प्लस NO2 3, और ये इनटू 100, तो कितना आया बेटा 5 20, ये आ गया हमारे पास में 40%। तो H2 का परसेंटेज कितना है 40% है, सही आया क्या बेटा, H2 का मोल परसेंटेज कितना है 40% है, तो 40% मोल परसेंटेज H2 का आ गया, तो O2 का मोल परसेंटेज कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं परसेंटेज 100 होगा, तो H2 अगर 40% है तो O2 कितना हो जाएगा, O2 कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे मोलर मास ऑफ मिक्सचर पूछा हुआ है, देखो मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो मैं यही कैलकुलेट कर देता हूँ। सेकेंड, एम मिक्सचर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टोटल अपॉन एन टोटल, तो ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये मास्टर फॉर्मूला है, इसी से हम देखो W टोटल, देखो अब W टोटल हमने कितना मान रखा है मिक्सचर का 100 ग्राम, और N टोटल में टोटल मोल हो जाएंगे किसके, H2 के मोल और O2 के मोल, तो H2 के मोल तो कितने हैं 2 और O2 के मोल कितने हैं 3, समझ में आई बात, तो टोटल मोल कितने हो गए 2 प्लस 3 5, और W टोटल हमारे पास में 100 ग्राम है, तो मैं इसको लिखूं 100 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास में मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया 20 ग्राम पर मोल, कितना आ गया बेटा 20 ग्राम पर मोल। तो ये तो हमारे पास में एक बेसिक सा मेथड था जिसकी हेल्प से हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस का डायरेक्टली मोल परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया या मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर लिया। अभी यदि इसी क्वेश्चन को हम वेरिएबल के टर्म्स में करें तो इसमें आंसर तो यही आएगा बेटा, आंसर तो क्या आएगा यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो हम उसको भी ट्राई करते हैं एक बार, कैलकुलेशन हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में तो आएगा ना कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेथड था, मेथड फर्स्ट, इस मेथड फर्स्ट से हमने टोटल 100 ग्राम कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब बात करते हैं इसका दूसरा मेथड की, दूसरे मेथड की बात करते हैं। देखो मेथड सेकंड, यहां पर हमने मान लिया W टोटल जो है वो है हमारे पास में W ग्राम, W टोटल कितना है W ग्राम है बेटा, W टोटल कितना है W ग्राम, तो WH2 कितना हो जाएगा, WH2 हो जाएगा टोटल W का, टोटल W का 4%, W का 4%, तो ये आ गया हमारे पास में 4W अपॉन 100। ऐसे ही मैं यदि WO2 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, W का 96%, तो ये W का 96%, तो WO2 आ गया हमारे पास में 96W अपॉन 100। तो हमने देखो वेरिएबल कंसीडर किया है टोटल मास को W ग्राम, तो हमारे पास में H2 का मास आ गया कितना 4W बटा 100, और O2 का मास आ गया 96W अपॉन 100, ठीक है, कोई दिक्कत। आप W ग्राम की जगह X ग्राम भी कंसीडर कर सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो यदि मोल की बात करूं, NH2 की बात करूं, तो वो क्या होगा WH2 अपॉन मोलर मास H2 का, और वो कितना है 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4W बटा 100, और ये बटा 2, तो ये आ गए NH2, ये क्या आ गया NH2 आ गया बेटा। सिमिलरली ऐसे ही यदि हम बात करें तो NO2 की बात करें, तो NO2 क्या हो जाएगा WO2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, ये कितना 32, और WO2 कितना है 96 W अपॉन 100, और ये 32, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 2,
तो ये आ गया 2W बटा 100, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 3, तो ये आ गया 3W बटा 100। दोनों के मोल आ गए, दोनों का वेट पता चल गया हमें। तो अब पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है NH2 परसेंटेज, और NH2 परसेंटेज क्या होगा, NH2 अपॉन NH2 प्लस NO2 और इनटू 100, NH2 प्लस NO2 इनटू 100। तो NH2 यहाँ वैल्यू पुट करें, NH2 की वैल्यू कितनी है देखो, ये रहा 2W अपॉन 100, और इसमें बटे में है हमारे पास में NH2 2W अपॉन 100 प्लस 3W अपॉन 100 और ये इंटू 100, ठीक है। NH2 NO2 कितना है 3W अपॉन 100। सिंप्लीफाई करो तो देखो 2W अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ बच गया 2W अपॉन 100 और एक बच गया यहाँ। यहाँ हम 2W अपॉन 100 कॉमन लें, नहीं एक काम करो आप W अपॉन 100 कॉमन ले लो, W अपॉन 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ W अपॉन 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस 3 और ये इंटू 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये देखो ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये बच गया अपने पास में 2/5 और इंटू 100, तो ये कितना आ गया 40%। और लास्ट वाले क्वेश्चन में जो NH2 आया था वो कितना आया था, 40% ही आया था उस सिंपल वाले मेथड से भी, और इस मेथड से भी कितना आया 40% ही आया, लेकिन बस फर्क इतना सा है यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा होगी और वहाँ पर कैलकुलेशन क्या थी, कम थी। समझ में आई बात, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अभी हमने बात करी थी तो देखो ये इधर आपको नहीं समझ में आया, तो ये देखो 40% आया था NH2 इस मेथड से भी, और वेरिएबल वाले मेथड से भी कितना है 40% आया। ऐसे यदि हम बात करें अब M मिक्सचर की, तो M मिक्सचर देखें, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, M मिक्सचर बराबर W टोटल अपॉन N टोटल। W टोटल हमने कितना मान रखा था, देखो W टोटल हमने मान रखा है W ग्राम, और N टोटल कितना हो जाएगा NH2 प्लस NO2, 2W अपॉन 100, 3W अपॉन 100, तो ये देखो W अपॉन 2W अपॉन 100 प्लस 3W अपॉन 100। सिंप्लीफाई करो, W कॉमन ले लो इसमें, W कॉमन ले लेंगे तो ऊपर तो बच जाएगा W इंटू 1, नीचे बच जाएगा W और 100 चला जाएगा ऊपर LCM लेके, और यहाँ बच जाएगा 2 प्लस 3, तो W से W कैंसिल आउट, तो ये आ गया 100 अपॉन 5, 20 ग्राम पर मोल। तो ये है हमारे पास में M मिक्सचर, ये क्या है M मिक्सचर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये मैंने LCM लेकर के या 100 LCM लेकर के 100 को ऊपर भेज दिया, 100 LCM लेकर के मैंने क्या किया है 100 को ऊपर भेज दिया। यहाँ बता देता हूँ देखो, W अपॉन W 2/100 प्लस 3/100, तो मैंने क्या किया W से W कट गया, ये तो कट गया, तो यहाँ तो बच गया एक, और यहाँ 100 LCM ले लिया तो ये आ गया 2 प्लस 3, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 100 चला गया ऊपर और अपॉन 5, ये इस प्रकार से हमने यहाँ किया है। समझ में आई बात, हाँ या ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना रेस्पॉन्स दर्ज कराए बेटा, नहीं तो मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा आपको चीज़ें समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही। और साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को बताओगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस कंटिन्यू बनाने के लिए, और आपको भी बेनिफिट मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें बेटा, ठीक है। और कंटेंट बहुत ही शानदार जो अच्छी अच्छी कोचिंग्स में मिलता है वही कंटेंट आपको मिल रहा है, बस आप तो फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। बस आपको आपके हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर होने चाहिए, ऐसे बैठ करके पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये ज्योग्राफी नहीं है, ये कोई हिंदी लिटरेचर नहीं है जो आप सुनोगे और आपके समझ में आ जाएगा। इसमें रफ कॉपी में पेन चलाना पड़ेगा तब जा करके ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऐसे ही चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आगे।
क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे वहां पर मॉल परसेंटेज सॉरी वेट परसेंटेज गिवन था, यहाँ पर क्या गिवन है? मॉल परसेंटेज गिवन है किसके? N2 के, और मॉल परसेंटेज किसके गिवन है? O2 के गिवन है। सेम वैसा सही क्वेश्चन है, वहां पर मास परसेंटेज गिवन था या मॉल परसेंटेज गिवन है? वहां मास परसेंट गिवन था, इसलिए हमने मास को कंसिडर किया था, मास वेरिएबल था, मास परसेंट गिवन था तो हमने मास को कंसीडर किया था। यहाँ पर मोल परसेंटेज गिवन है तो यहाँ वेरिएबल कौन है? मोल है, या ऐसे समझ सकते हैं कैलकुलेशन किसके टर्म्स में होनी है? मोल के टर्म्स में कैलकुलेशन होनी है। तो जो भी हम कंसीडर करेंगे वो किसको कंसीडर करेंगे? मोल को कंसीडर करेंगे। समझ में आई बात? तो या वहाँ पर मास कंसिडर किया था या मोल कंसिडर करेंगे, वही सेम चीज़ें वहाँ पर 100 ग्राम क्या कंसिडर किया था? मास, या 100 मोल कंसिडर करो। तो वही तरीका पहले वाला। मेथड वन की बात करें, मेथड फर्स्ट, तो हमने मान लिया कि एन टोटल है वो है हमारे पास में 100 मोल। कितने हैं? 100 मोल है, ठीक है। और एन टू है 80% बाई मोल और ओ टू है 20% बाई मोल। तो एन एन टू हो गया 100 का 80%, 100 का 80%, तो ये आ गया अपने पास में 80 मोल। ऐसे ही NO2 जो है वो है कितना? 100 का 20%, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ अब बेटा 20 मोल, 20 मोल। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, हमें मोल मिल गए, लेकिन हमें तो क्या पूछा हुआ है? मास परसेंटेज ऑफ A2। अब यहाँ पे लिखा हुआ मास परसेंटेज ऑफ A2 इन एयर, तो N2 80% है और 20% O2 है, और एयर का जो मिक्सचर होता है बेटा उसमें मैक्सिमम यानी मैक्सिमम जो 80% है वो O2 है, फिर 1% ही ऐसा होता है जो बाकी गैसें प्रेजेंट होती हैं। लगभग ऐसे समझ लो 100% को कवर कौन कर जाता है? N2 और O2। तो बाकी गैसेज को हमने नेग्लिजिबल कंसिडर करके दोनों का ही मिक्सचर किसको मान लिया? एयर को मान लिया, ठीक है, इसलिए ये बोला हुआ है एयर। तो O2 और N2 का मिक्सचर ही हम किसको बोल रहे हैं? एयर को बोल रहे हैं, ठीक है। तो N2 से वो क्या हो जाएगा? WN2 अपॉन N2 का कितना? 28। तो WN2 कितना आ गया बेटा हमारे पास में? WN2 आ गया NN2, और NN2 कितना है? 80, और ये आ गया इंटू 28 ग्राम, तो ये आ गया WN2। सिमिलरली उसी फॉर्मूले से NO2 इज इक्वल टू WO2 अपॉन O2 का कितना? 32। O2 का कितना? 32। NO2 कितना है? 20। तो WO2 आ गया हमारे पास में 32 इंटू 20 ग्राम मास। N2 का मास ये आ गया, O2 का मास ये आ गया, N2 के मोल हमें पता है, O2 के मोल हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? आप सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में पूछा हुआ है मास परसेंट, तो पहला क्वेश्चन मास परसेंटेज ऑफ O2 यानी WO2 परसेंटेज इज इक्वल टू WO2 अपॉन WO2 प्लस WN2 और इंटू 100 इंटू 100। तो वैल्यूज पुट कर दो, WO2 कितना है? ये रहा 32 इंटू 20 अपॉन 32 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 28 और परसेंटेज का 100, ठीक है, परसेंटेज का 100। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो 20 कॉमन ले लेते हैं और इसमें से 4 कॉमन ले ले, तो 20 कॉमन लिया मैंने, 20 कॉमन तो ऐसे कैसे ले लिया और 4 इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गए 8। ऐसे ही मैंने क्या किया, 20 कॉमन ले लिया, 4 इसमें से ले लिया, तो 20 एग्जैक्टली पूरा आ गया, यहाँ बच गया 8 प्लस 20 इंटू 4, और यहाँ से 20 लिया तो यहाँ तो बच गया 4, और यहाँ से 4 लिया तो यहाँ बच गया 7, और ये परसेंटेज का 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास में 8 अपॉन 7 चौक 28, 28 और 8 36 और इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से काटेंगे तो 2 और 9, तो ये आ गया हमारे पास में 200/9, ये आ गया परसेंटेज में, ये किस में आ गया? परसेंटेज में। तो 209, 11, 9, 99, तो 18% के आसपास हो गया, 18-19% के आसपास हो गया लगभग। तो इस प्रकार से हम मास परसेंटेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आई बेटा? मैंने 20 और 4 को कॉमन लिया तो 20 तो एग्जैक्टली आ गया, 4 इसमें से लिया तो 8 बच गया, 20 और 4 को कॉमन लिया तो 20 तो एग्जैक्टली आ गया, 8 यहाँ बच गया, 20 इसमें से आया तो यहाँ तो 4 बच गया, और 4 इसमें से लिया तो यहाँ 7 बच गया, सीधी सी बात यह है, ठीक है। तो ये है मास परसेंट किसका? O2 का।
ऐसे ही इसी तरीके से यदि हम मोलर मास कैलकुलेट करें मिक्सचर का, तो देखो मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू डब्लू टोटल अपॉन एन टोटल, है ना। और डब्लू टोटल कितना है, देखो डब्लू टोटल कितना है, 80 × 28 और 32 × 20। 80 × 28 प्लस 20 × 32 और बटा एन टोटल, माने कितने थे, 100 मोल माने थे, ये लो। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ना बटा, तो ये आएगा 28.8 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आएगा, 28.8 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर, या ऐसे बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ एयर इज 28.8, और कई जगह इसको हम 29 ग्राम पर मोल भी कंसिडर करेंगे। ये डाटा भी आपको याद रखना है, एयर का मोलर मास कितना होगा, 28.8 ग्राम पर मोल या 29 ग्राम पर मोल। समझ गए बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसी को दूसरे तरीके से करें, मेथड सेकंड से, वही वेरिएबल वाला मेथड है हमारे पास में, मेथड सेकंड, वेरिएबल वाला मेथड। उसमें क्या करेंगे, हमने मान लिया जो एन टोटल है वो है हमारे पास में एन, तो एन एन टू कितना हो जाएगा, एन का 80%, और एन ओ टू कितना हो जाएगा, एन का 20%। सिंपल सी बात है, और वही मोल वाला फॉर्मूला, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एन से, तो डब्ल्यू एन टू हो जाएगा हमारे पास में एन इंटू 80 × 100 और × 28। ऐसे ही एन ओ डब्ल्यू ओ टू हो जाएगा हमारे पास में एन ओ टू इंटू 32। तो एन ओ टू कितना है, एन इंटू 20 अपॉन 100 और × 32। बस मोल पता है वेरिएबल के टर्म्स में, मोल पता है, मास पता है, तो क्या निकाल लेंगे, मास परसेंटेज निकाल लेंगे। किसका किसका पूछा हुआ था क्वेश्चन में, ये देखो किसका पूछा हुआ है, ओ टू का। तो ओ टू का क्या निकाल लेंगे, मास परसेंट। तो डब्ल्यू ओ टू परसेंटेज इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ टू, ये रहा एन इंटू 20 × 32 अपॉन 100 अपॉन ये टोटल, एन इंटू 20 × 32 अपॉन 100 प्लस एन एन टू, एन इंटू 80 × 28 अपॉन 100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वो मास परसेंटेज जो लास्ट लेक्चर में आया था लगभग 18%, वही आएगा। आपको वैसे ही करना है, कॉमन लेकर के, क्या करना है, कॉमन लेकर के ही इसको अटेम्प्ट करना है। एन इंटू 20, एन इंटू 20, एन इंटू 20, 4 यहाँ से ले लो, 4 यहाँ से ले लो, 4 यहाँ से ले लो। सिंप्लीफाई करें क्या, चलो करते हैं। तो मैंने क्या किया, एन इंटू 20 और 4 ले लिया यहाँ से, और अपॉन 100 ये कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 8। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने नीचे लिया एन इंटू 20 × 4 अपॉन 100, और ये परसेंटेज का 100 भी तो लगाना है यहाँ पर ना? तो यहाँ 20 और ये ले लिया, 8 बच गया, यहाँ पर एन इंटू 20 और ये 28 बच गया, तो यहाँ बच जाएगा 8 + 7 = 28, ये लो, और परसेंटेज का 100, तो ये कट गया पूरा। तो वही एक्सप्रेशन बन गया अपने पास में, 8 / 36 × 100, और ये कितना आ जाएगा, लगभग 18% आ जाएगा बेटा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आपको भी रफ कॉपी में पेन तो घिसना ही पड़ेगा, समझ में आई बात। तो देखो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका, सेकंड क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ मिक्सचर एम मिक्सचर, तो वो डब्ल्यू टोटल अपॉन एन टोटल, और डब्ल्यू टोटल कितना है, एन का 80% इंटू 28 प्लस, ये तो नाइट्रोजन का मास है, पीछे वाली स्लाइड पे देख लेना बेटा आप, एन इंटू 20 अपॉन 100 और ये 32, ये ऑक्सीजन का मास है अपॉन टोटल मोल, और टोटल मोल कितना माना था, 100। जब हम इसको वही कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी टोटल मोल कितना माना था, एन माना था बेटा, टोटल
टोटल मोल है एन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में वही चीजें आएंगी, कितनी 28.8 ग्राम पर मोल। कर लो इसको कॉमन लेके, देखो एन को बाहर ले लो, एन को बाहर लेंगे तो ये ऊपर बच जाएगा हमारे पास में 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 अपॉन 100 और अपॉन एन। तो एन से एन कट गया तो ये आ गया 2880 आ जाएगा अपॉन 100। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर। समझ गए बेटा? तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास में मिक्सचर एनालिसिस पे। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा रफ कॉपी में पेन घिसोगे, घिसने का मतलब ये नहीं है कि पेन घिस रहे हो, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके क्लियर होंगी। तो आज का ये जो टॉपिक था, आज का ये जो लेक्चर था, मिक्सर एनालिसिस पे कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं और उसके जो केसेस जो बच गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें। मैं तो वही बात बोलूँगा आपको, आप भी फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट का बेनिफिट लीजिए बेटा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय बाय।